अपनी शॉर्ट्स वीडियो को ब्राउज फीचर में कैसे लाएं। अगर आप भी मेरी तरह अपने वीडियो को ब्राउज फीचर में लाके वॉच टाइम को बढ़ाना चाहते हो तो इस वीडियो का एक एक पॉइंट आपको बहुत ध्यान से समझना होगा। चलिए तो हम बात कर लेते हैं कि आपको इस वीडियो और टॉपिक से क्या क्या फायदा होने वाला है। तो देखो, पहला फायदा नंबर वन, वॉच टाइम। अगर आपकी वीडियो शॉर्ट सेक्शन में जाएगी तो वायरल होने के चांसेस तो हैं, पर आपके उस वीडियो का वॉच टाइम काउंट नहीं होगा। और यहीं पर अगर आपकी शॉर्ट वीडियो ब्राउज फीचर में जाती है तो आपका वॉच टाइम काउंट होगा। तो फायदा नंबर टू बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया है कि आपकी वीडियो ब्राउज फीचर में आके वायरल कैसे होगी। तो अब सुनो फायदा नंबर टू, यू विल गेट रियल एंड एक्टिव सब्सक्राइबर विद नोटिफिकेशन बेल। तो देखो दोस्तों, जब आपकी वीडियो शॉर्ट सेक्शन में जाती है तो वहां नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन नहीं होता, इसलिए जो लोग आपके चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं उनको आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता और इसलिए वो डेड सब्सक्राइबर हो जाते हैं। पर अगर आप मेरी ट्रिक से अपनी वीडियो को ब्राउज फीचर में भेजते हो तो आपको वहां से रियल और एक्टिव सब्सक्राइबर मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्रूफ देख लें। तो देखिए दोस्तों, ये है वो वीडियो जिस पर 2.1 के व्यूज आ चुके हैं, ओनली 40 सेकंड्स की ये वीडियो है। अब मैं इस वीडियो पर क्लिक करता हूं और एनालिटिक्स में जाने के बाद आपको दिखाता हूं कि मेरे जो इस वीडियो पर व्यूज आए हैं वो ब्राउज फीचर से 49.2% आए हैं। तो मैंने इसको ब्राउज फीचर में कैसे भेजा, क्या क्या मेरी स्ट्रेटजीज रही, तो मैं इस वीडियो में सारा डिटेल में समझाने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं 3 स्ट्रेटजीज जिनको आपको ध्यान से समझना है और अपने वीडियो में इंप्लीमेंट करना है। स्ट्रेटजी नंबर 1, टाइटल, 5 words strategy। उसके लिए आपको सबसे पहले YouTube पर आना। YouTube पर आने के बाद आपको अपना टाइटल जो है वो यहां पर सर्च करना है। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं सर्च करता हूं YouTube Shorts वायरल। अब यहां पर बहुत सारे कीवर्ड्स आ गए हैं, इनमें से जो भी आपको बेस्ट कीवर्ड लगता है वो आपको लेना है। ध्यान रहे, 5 word से ज्यादा का टाइटल नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि 3 से 4 word का ही टाइटल आपका हो, 5 word से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक टाइटल ले लिया है, YouTube शॉर्ट वायरल कैसे करें। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और अपने टाइटल में जाके पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आपका टाइटल सेक्शन कम्प्लीट। तो अब सुनिए स्ट्रेटजी नंबर 2, डिस्क्रिप्शन, 3+5 # कीवर्ड स्ट्रेटजी। तो सबसे पहले आपको टाइटल यहाँ पर कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन में आके सेम टाइटल पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइटल से रिलेटेड टॉप 5 कीवर्ड्स आपको यहाँ से उठाने हैं। ध्यान रहे कि वो टॉप 5 ही होने चाहिए, नीचे के ज्यादा नहीं लेने हैं। शुरुआत के टॉप 5 कीवर्ड्स लेने हैं, डिस्क्रिप्शन में पेस्ट करने हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 हैशटैग ऐड करने हैं अपने टाइटल से रिलेटेड। जो भी आपका टाइटल है उससे रिलेटेड जो भी 3 हैशटैग्स हैं, केवल 3 ही हैशटैग्स आपको लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं, 3 लिखिए, सफिशियंट है। अब आप बोलोगे कि मैंने वो वाली वीडियो में तो #short #YouTube Short डाला है। तो भाइयों, मैंने इसलिए डाला है क्योंकि उस वीडियो का टाइटल ही मेरा है कि YouTube Shorts वायरल कैसे करें। इस वजह से मैंने वहां पर #short #YouTube Shorts और #shorts वीडियो वहां पर डाला है, क्योंकि वो मेरे टाइटल से रिलेटेड हैशटैग्स हैं। तो आपको भी टाइटल से रिलेटेड 3 हैशटैग्स यहां पर डालने। डिस्क्रिप्शन डालने के बाद अब आती है तीसरी स्ट्रेटजी जो कि है टैग्स, 5 special keywords स्ट्रेटजी। दोस्तों, यहाँ पर जो टैग्स आपको डालने हैं वो YouTube पर सबसे पहले सर्च करने हैं। कोशिश करिए कि आप क्रोम पर जाइए। क्रोम पर जाने के बाद इनकॉग्निटो टैब में आप YouTube को खोलिए और वहाँ पर साइन इन मत करिए, वहाँ पर अपना टाइटल डालिए। टाइटल डालने के बाद वहाँ पर जो भी कीवर्ड्स आते हैं उनको आपको लेना है, अपने टैग सेक्शन में पेस्ट करना है। ध्यान रहे कि वो ज़्यादा लंबे कीवर्ड नहीं होने चाहिए, सफिशियंट कीवर्ड हो, 3 to 5 letters के बीच में ही होने चाहिए। उनको लेके आपको कॉम्पिटिशन उनका चेक करना है, लो कॉम्पिटिशन, हाई कॉम्पिटिशन, मीडियम कॉम्पिटिशन, जैसा भी आप लेना चाहते हो। कोशिश करिए लो कॉम्पिटिशन वाला आपको कीवर्ड उठाना है, टैग सेक्शन में आपको पेस्ट करना है। इतना आप अगर कर लोगे तो आपकी वीडियो डेफिनेटली शॉर्ट सेक्शन से ब्राउज फीचर में जाएगी, वहां पर आपका वॉच टाइम भी काउंट होगा, प्लस वायरल होने के चांसेस भी रहेंगे। शॉर्ट सेक्शन में आपकी वायरल तो हो जाएगी, आपको सब्सक्राइबर भी वैसे ही मिलेंगे डेड और आपके वॉच टाइम भी काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी ब्राउज फीचर में जाएगी तो आपका वॉच टाइम भी काउंट होगा, प्लस आपको रियल सब्सक्राइबर भी मिलेंगे जो कि आपकी वीडियो को रेगुलर देखेंगे। तो दोस्तों, इन स्ट्रेटजीज को अपनी शॉर्ट वीडियो पर अप्लाई करो और रिजल्ट्स देखो।